नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपने अपने तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने भी बिहार में तिथि घोषित कर दी है। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने को है और इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर। और आपको हम यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जेडीयू की तरफ से यहाँ पर 3 नए पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर 3 नए नारे दिए गए हैं, जिसमें लिखा गया है। पहला पोस्टर जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा है गया है नीतीश सबके हैं। और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यहाँ पे चेहरा भी लगाया गया है। वहीं अगर आपको हम दूसरे पोस्टर में दिखाएं तो वहाँ पर भी साफ तौर पर लिखा हुआ है तरक्की दिखती है। जिस तरह से पिछले 15 सालों में जेडीयू की सरकार ने काम किया है, उसको इस पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है। साथ ही साथ जिस तरह से राजधानी पटना में हर एक इलाके में जो नए नए पुल का निर्माण हुआ है, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेडीयू के तरफ से यहाँ पर 2 नए पोस्टर लगाए गए हैं जेडीयू कार्यालय के बाहर। और साफ तौर पे पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार के शासनकाल में जो कुछ काम हुआ है, उसको इस पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है। वहीं आपको हम बताते चले कि जेडीयू कार्यालय के अंदर भी एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पे वहां पर भी नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू के द्वारा एक नया स्लोगन दिया गया है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है परखा है जिसको चुनेंगे उसी को। और साथ ही साथ इस पोस्टर में भी नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। और इस स्लोगन का मतलब है कि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने जो कुछ काम किया है बिहार के लिए, उसको देखते हुए यहाँ पर जेडीयू के तरफ से या 3 नए पोस्टर लगाए गए हैं। और बताते चले कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने तैयारियों में हैं, वहीं जेडीयू की तरफ से 3 नए पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें 3 स्लोगन दिया गया है। और साफ तौर पे पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार की शासनकाल में जो कुछ कार्य हुए हैं, उसको इस स्लोगन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि अगर हम NDA की बात कर लिया जाए, तो NDA में अभी तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। बीती रात भी लगातार BJP कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक चल रही थी। और जो अटकलें नज़र आ रहे हैं चिराग पासवान के तरफ से, जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से अभी बात नहीं बन पाई है। इसको देखते हुए जो NDA का सीट शेयरिंग है वो अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं जेडीयू के तरफ से 3 नए पोस्टर लगाए गए हैं और जेडीयू इसी स्लोगन के साथ बिहार की जनता के बीच जाएगी। और यह तो तय होगा कि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।